आंटी जी को एसिडिटी और गैस की बहुत ज्यादा समस्या थी और इन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, आइए जानते हैं इन्हीं से। आपको क्या क्या परेशानी होती थी? मेरे सर में दर्द होता था, पाँव में दर्द होता था, फिर बहुत ज्यादा होता था, फिर उल्टियां हो जाती थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत और मैं हिंदुस्तान की नंबर वन आयुर्वेदिक संस्था एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्ट सेलर हूँ। दोस्तों ये आंटी जी हैं और मैं अभी उत्तराखंड के द्वाराहाट के एक निकटवर्ती ग्राम में हूँ। दोस्तों आंटी जी को एसिडिटी और गैस की बहुत ज्यादा समस्या थी और इन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, आइए जानते हैं इन्हीं से। आपको क्या क्या परेशानी होती थी? मेरे सर में दर्द होता था, पाँव में दर्द होता था, फिर बहुत ज्यादा होता था, फिर उल्टियां हो जाती थी, फिर कितने गोली खाओ ठीक नहीं हुआ। हल्द्वानी भी दिखाया और द्वाराहाट भी दिखाया, कितने डॉक्टरों के पास कोर्स किया, 2-3 महीने का, अभी फिर भी ठीक नहीं हुआ। जब ये दवा खा रही हो अब थोड़ा ठीक है। आपने क्या क्या खाया? दोस्तों आंटी जी ने ये ली है पंच तुलसी एक्सलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की और ये डेंटोटॉक है, इसको जो है घोल के पानी के साथ पीना पड़ता है, गर्म पानी के साथ सुबह सुबह। और ये त्रिफला जो है पेट को साफ रखता है और पेट को जो है पेट की हर समस्या के लिए त्रिफला हम देते हैं, तो हमने त्रिफला आंटी जी को दिया था। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक है थोड़ा पहले से। अच्छा, द्वाराहाट में आपने कहा दिखाया? मैंने द्वाराहाट में दिखाया, भंडारी जी के वहां दिखाया। अच्छा। और हल्द्वानी भी दिखाया सुसर तिवाड़ी में थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, अभी ये दवा से फर्क पड़ रहा है काफी, मैंने भी खाई ऐसे, ऐसी बात नहीं है। आपने भी क्या खाया? अच्छा असर कर रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिसको हमारी मतलब ये गैस की समस्या या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि आप आयुर्वेदिक दवा का अजीज सेवन करें, बहुत इफेक्टिव दवा है, एक बार प्रयास जरूर करें, इसका कोई नुकसान भी नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो, बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आयुर्वेदिक कोई भी दवा हो, अगर आपको अगर लगातार लेनी भी पड़े तो दोस्तों कभी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन एलोपैथिक दवाएं आप जब तक खा रहे हैं तब तक तो आपको फर्क पड़ेगी, क्योंकि दवा रही है आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रही है, जड़ पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ बीमारी को दबाने का काम करती हैं एलोपैथिक दवाएं। लेकिन एलोपैथिक दवाएं छोड़ने के बाद हो सकता है कि वो बीमारी फिर शुरू हो जाए, क्यों? क्योंकि जड़ नहीं मिटती है और हमारी ये दवा जड़ को मिटाने का काम करती है, जड़ पे काम करती है, बीमारी की जड़ पे काम करती है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आयुर्वेद को अपनाएं और अपना जीवन सुखी रखें, स्वस्थ रखें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कंपनी के MD मालिक श्रीमान संजीव कुमार जी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए और आज हमारे देश की जनता को इससे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।